देखिए, जैसे ही हमने ए को प्रेस किया तो हमारा लैंप 1 ऑन हो गया, बी को प्रेस किया तो लैंप 2 ऑन हुआ, सी को प्रेस किया तो लैंप 3, और डी को प्रेस किया तो लैंप 4 ऑन हो गया। और ऑन को प्रेस करने से हमारा सभी लैंप एक साथ ऑन हो जाता है, और जैसे ही हम ऑफ़ को प्रेस करते हैं तो हमारा सभी लैंप एक साथ ऑफ हो जाता है। ये हमारा वाईफाई से चलने वाली रिमोट और रिसीवर है। तो चलिए, इसमें हम फ़ैन को भी कर सकते हैं। ए को प्रेस करने से हमारा सीलिंग फ़ैन 1 ऑन हो गया। अब हम बी को प्रेस करते हैं तो हमारा एग्जास्ट फ़ैन ऑन हो गया, और हम सी को प्रेस करते हैं तो हमारा टेबल फ़ैन ऑन हो जाता है, और हम अगर डी को प्रेस करते हैं तो हमारा लैंप ऑन हो जाता है। तो इस रिसीवर और रिमोट से आप अपने घर का किसी भी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ कर सकते हैं रिमोटली ऑटोमेशन सिस्टम से। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये हमारा रिमोट है जिसमें ए बी सी डी ऑन और आपका स्विच दिया हुआ है, जिसमें ए बी सी डी में आप चार सर्किट को ले सकते हैं, किसी भी इक्विपमेंट को, टीवी को, कूलर को, फैन को। और इससे पहले कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाएंगे तो 3 बेल आएगा जिसमें आल बैल को क्लिक कर दीजिए, ताकि सबसे पहले जब भी हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और यहाँ पे लाइक का जो थंब दिया हो उसको लाइक कर दीजिए, और यहाँ पे जो एरो दिया हो उसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और PLC से रिलेटेड बहुत तरह के वीडियो दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। और चलिए, इसका वायरिंग किस तरीका से होता है उसे भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए ये एक हम रिसीवर लेंगे जिसमें एक एंटीना लगा होगा, जिसमें से एक वायर निकलेगा जो कि हमारा ग्रीन कलर की होगी, वो हमारा लैंप से कनेक्ट होगा। जो दूसरा नंबर वायर निकलेगी येल्लो वायर, वो येल्लो लैंप से कनेक्ट होगा। तीसरी वायर है वाइट वाली, वो वाइट वाला लैंप से कनेक्ट करेंगे। और चौथी वायर ब्लू वाली, उसको ब्लू लैंप से कनेक्ट करेंगे। और एक हमारा रेड वायर और ब्लैक वायर जो कि हमारा इनपुट फेस के लिए होगा, और एक जो ब्लैक वायर होगी उसको हम चारों लैंप में जो दूसरा टर्मिनल बचा होगा उस चारों में 1x1 कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीका से हमारा चार लैंप का या फिर हमारे घर में चार कोई भी इक्विपमेंट का कनेक्शन होगा। चलिए, एक्चुअल में ये कैसे होगा उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम होल्डर लेंगे, होल्डर में हम दो वायर लगाएंगे दोनों टर्मिनल में। इसी तरीका से हम चार होल्डर में दो दो वायर लगाएंगे, और चारों का ब्लैक वायर जो कि न्यूट्रल है वो चारों को हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा लैंप का चार ब्लैक कलर की वायर, ये न्यूट्रल की वायर चारों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद चार वायर बची है उसको हम हमारे रिसीवर का चार वायर के साथ में कनेक्ट करेंगे। जैसे कि हम ब्लैक वाला वायर को कॉमन को ब्लैक में करेंगे, रिसीवर का ब्लू वायर को ब्लू लैंप के वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, और रिसीवर के येल्लो लैंप को, येल्लो वायर को हम लैंप के येल्लो वाला के साथ में कनेक्ट करेंगे, रिसीवर के वाइट वाला वायर को वाइट के साथ में कनेक्ट करेंगे, और रिसीवर के ग्रीन वाला वायर को ग्रीन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। और ये हमारा कनेक्शन हो गया है। अब इसमें हम लैंप लगाएंगे, जिसमें हम एक वाइट लैंप लगाते हैं, ये 100 वाट का लैंप लगाते हैं, इसमें आप 100 वाट का भी लैंप लगा सकते हैं। और तीसरा लैंप को हम ब्लू वाला लैंप लगा देते हैं, और चौथे वाला लैंप को येल्लो वाला लैंप लगा देते हैं। इस तरीके से अब चार लैंप का कनेक्शन हमारे रिसीवर के साथ में कर देते हैं, और हमारे रिसीवर को इनपुट पावर दे देते हैं। जैसे ही हम ए को प्रेस करते हैं तो हमारा येल्लो लैंप ऑन हो जाता है, फिर ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है, बी को प्रेस करेंगे तो हमारा ब्लू लैंप ऑन होता है, ऑफ करते हैं तो ऑफ होता है, सी को प्रेस करने का 100 वाट लैंप ऑन हो जाता है, और डी को प्रेस करने से हमारा एक और बल्ब लगा है वो ऑन हो जाता है। और ऑन चारों को अगर हम प्रेस कर देते हैं तो चारों लैंप हमारा एक साथ ऑन हो जाता है, और ऑफ करते हैं तो चारों लैंप हमारा एक साथ ऑफ हो जाता है। तो इस तरीका से आप अपने घर में किसी भी इक्विपमेंट को इस रिसीवर के द्वारा और रिमोट के द्वारा ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसका वर्किंग रेंज देखेंगे तो 10 से 15 मीटर की वर्किंग रेंज में यह प्रॉपर तरीके से वर्क करता है।
और यह वाईफाई रिसीवर और रिमोट अलग अलग चैनल का आता है, जैसे कि दो चैनल का हमने जो कनेक्शन किया है वो 4 चैनल का है, इसी में ही 8 चैनल का आता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको आप अलग अलग चैनल के हिसाब से खरीद सकते हैं और बहुत ही इजी वे में इसका कनेक्शन करके अपने घर के सारे इक्विपमेंट को रिमोट के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें फैन का, टीवी का, फ्रिज का, एसी का, किसी भी इक्विपमेंट का आप कनेक्शन कर सकते हैं। इसका अलग अलग रेंज आता है, अलग अलग करंट रेटिंग आती है और इसके बाद में हम देखेंगे कि किसी भी फैन को, एग्जास्ट फैन को, टेबल फैन को, लैंप को कैसे सर्किट में कनेक्शन कर सकते हैं और घर में अपने यूज में कर सकते हैं। और चलिए हमारा लैंप कंप्लीट होने के बाद में हम अदर इक्विपमेंट का भी कनेक्शन इस रिसीवर से कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा रिसीवर है जिसमें कि एक एंटेना है और यहाँ पे हमारा रिसीवर में हम 4 इक्विपमेंट का कनेक्शन करेंगे जिसमें कि सीलिंग फैन, एग्जास्ट फैन, टेबल फैन और लैंप लेंगे। और यहाँ से हमारा एक ग्रीन कलर की वायर निकलेगी जो कि हमारा सीलिंग फैन में एक वायर से कनेक्ट होगा। एक येलो कलर की वायर निकलेगी जो कि हमारा एग्जास्ट फैन के 2 वायर में से 1 वायर में कनेक्ट होगा। और एक वाइट कलर की वायर निकलेगी जो कि हमारी टेबल फैन में 2 वायर में से 1 वायर में कनेक्ट होगी। और एक ब्लैक वायर निकलेगी जो कि हमारी लैंप के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। और इस चारों का एक एक वायर बच गया है, चारों इक्विपमेंट का, तो उसके लिए रिसीवर से हाफ न्यूट्रन निकलेगा जिसको कि हम सभी में एक एक वायर जो बची है उसमें कॉमन में हम कनेक्ट कर देंगे। पहले हम सीलिंग फैन में कनेक्ट करेंगे, इसी ब्लैक वायर को हम एक अपने एग्जास्ट फैन में कनेक्ट करेंगे, इसमें से एक वायर निकाल के हम अपने टेबल फैन में कनेक्ट करेंगे और इसमें से एक वायर निकाल के हम लैंप में कनेक्ट करेंगे। और 2 वायर जो आएगी, एक रेड वाली और एक ब्लैक वाली, जिसको कि हम लोग मेन सप्लाई में पावर दे देंगे। और इस तरीका से हम अपने घर के चार किसी भी इक्विपमेंट को 4 चैनल वाले रिसीवर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 8 चैनल का रिसीवर लेते हैं तो उसमें 8 अलग अलग इक्विपमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। और चलिए अब इस चारों इक्विपमेंट को हम रिमोट के थ्रू ऑन ऑफ करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम जैसे ही ए को प्रेस करते हैं तो हमारा सीलिंग फैन ऑन हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही हम बी को प्रेस करते हैं तो हमारा एग्जास्ट फैन ऑन हो जाता है, जैसे ही उसके बाद में हम सी को प्रेस करेंगे तो हमारा टेबल फैन ऑन हो जाएगा, और जैसे ही हम डी को प्रेस करते हैं तो हमारा लैंप ऑन हो जाता है और सारे इक्विपमेंट को वाईफाई से रिमोट से ऑन कर सकते हैं।